पेड़ों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ इनकी जबानें बंद हो जाएं, शरीर पर धागा नहीं रहना चाहिए कपड़े का। मेरे भाइयों, उन कमीनों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आधी झुकी हैं ऊपर से, पापी कोड़ों की बौछार कर रहे हैं, कपड़ा फटफट के गिरन लगी, खून की पिचकारी छूटन लगी। लड़की हाय हाय डकरा रही हैं, लेकिन न लज्जों को न दया है न हया। मेरे भैया, जब लड़कियों की जबानें बंद हो गईं, कंस ने हाथ उठा दिया, लफंगों ने मारना बंद कर दिया, अब वे दोनों कुंवारी लड़कियां कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह कह तक रही हूं, दही वाली मथनियां धरती पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। लोगों चीखने ही प्राण निकाल लिए, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चल बाना छाती के बल से धरती पर, बरसाने के लोगों को पता लगा कंस ने आज मेरी बेटियों के साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार किया। सारे सरपंच इकट्ठे हुए और कहने लगे, भैया इस तरह जुल्म उठाएगा तो बेटियों की इज्जत बचना अब तो मुश्किल है। एक सरपंच कहने लगा, चलो उग्रसेन से मिलते, 15-20 ए बच्चों भर, लड़कियों को लेकर के उग्रसेन के दरबार में पहुंच गए और कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस ये रंग में भंग मिला देगा, देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का ये धर्म है प्रजा की लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करे? और बोले सरपंच, और राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में पिस घोले, अमृत में पिस घोले भाई जो अमृत में पिस घोले, चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में पिस घोले। बाप की जड़ दई ना कटा
को मर जाए बाप की दर्द नाक कटावे और बेटा वो मर जाए बाप को दिन और रात रुआवे जो दोनों कुलों को कलंक लगाए ऐसी बेटी को मर जाना चाहिए जो पिता की जड़ से नाक को कटा दे ऐसा पुत्र मर जाए जो पिता को सताए और रुआए ऐसा बाप मर जाए जो खुद दारू में डूब रहा है औलाद को पढ़ाता ही नहीं ऐसी मां मर जाए जो बेटी को इतना आजाद कर दे गली गली में घूम रही और ऐसी बेटी मर जाए जो मैके में श्रृंगार करके घूम रही हो भाइयों और बताया आगे क्या गुरुदेव पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय चुकावे धर्म की हत्या करे के बेईमान को पछ बजावे धर्म की हत्या करे और बेईमान को पछ बजावे ब्राह्मण वो मर जाए हेलो जो दारू पिए मांस को खावे ब्राह्मण वो मर जाए तो दारू पिए मांस को खावे और यज्ञ हवन नहीं करे के जो नित रंडी के घर जावे रंडी के घर जावे भाई जो रंडी के घर जावे यज्ञ हवन नहीं करे अरे बेटा के घर जावे गुरु तो वो मर जाए वो मर जाए के जो चेला ते ज्ञान छुपावे और चेला वो मर जाए गुरु को भूल सा भई खावे पराई बहन बेटी मर के सूकर हो जावे मर के सूकर है
पाए नरक होइए जे को ऐसे मर्द को भी मर जाना चाहिए, वो मर्द कहलाने के योग्य नहीं। ए मर्द तो वो मर जाए पराई नर पे चित्त बिगावे, और औरत को मर जाए पराई ये पति को गले लगावे। अरे मर्द गले लगावे, औरत